जेपी यूनिवर्सिटी के लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं जिनका एडमिशन क्लियर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2021-24 के लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा एडमिशन क्लियर हो चुका है, एग्जाम फॉर्म कब तक भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स यह सवाल कर रहे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, उनका सवाल यह है कि सर फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। क्योंकि बहुत सारे का कई सारा सवाल है, आज की इस वीडियो में सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। और जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा जो सूचना जारी हुआ है, न्यू नोटिस जारी हुआ है, वो भी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे पूरा अंत तक। ये आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है jpb.org, ठीक है, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लिखकर सर्च करोगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर नया विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जयप्रकाश विश्वविद्यालय का ये लोगो है और जेपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा प्रूफ के साथ, लाइव प्रूफ हो भी, कि आप लोगों का फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी होगा जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जिनका एडमिशन हो चुका है उनका एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, इस वीडियो में उनको भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट वाले छात्रों का एडमिशन हो चुका है जिनका लिस्ट में नाम आया था। अब बचा है फोर्थ मेरिट लिस्ट। फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, चलिए सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम फॉर्म को लेकर इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आप लोगों का जो है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में जो है जारी हो जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में जो है फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। दोस्तों चिंता ना करें, फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर तैयारियां की जा रही है। फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में हो सकता है जारी पूरी तरह से हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जेपी यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। जैसे सब्सक्राइब करोगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दो, कि आने वाली पूरी जुड़ी जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको इसी तरह पल पल की इंफॉर्मेशन मिलता रहे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि देखिए अब यहां पर सवाल यह है कि एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम फॉर्म को लेकर लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म को लेकर कोई सूचना दीजिए, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 17/2020-23 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 17/2020-23 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद जो है आप लोगों का एग्जाम फॉर्म शुरू होगा 2021-24 के छात्रों का, ठीक है। तो 2021-24 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म जो है आप लोगों का दिसंबर बीतने के बाद जो है आप लोगों का जनवरी में जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में आप लोगों का, इस महीने आप लोगों का कोई भी एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है, 2021-24 के छात्रों का, ठीक। जनवरी के सेकेंड वीक तक जो है पूरी पूरी संभावना है, 15 से 20 तारीख को जनवरी को जो है आप लोगों का एग्जाम फॉर्म शुरू होगा। 15-20 जनवरी को जो है न्यू ईयर्स में आप लोगों का एग्जाम फॉर्म शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों चिंता ना करें, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको सभी इंफॉर्मेशन एक साथ मिलता जाएगा। आप लोग बस लगे रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ, और वीडियो को अपने शेयर करते रहें सभी फ्रेंड दोस्तों को, ठीक है, कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह पल पल के अपडेट मिलता रहे। दोस्तों यदि अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड या कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, सभी जानकारी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं, अगला वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।